कंधा टकराने के बावजूद भी इस लड़की ने नजर उठाने की जहमत ना की, बस सॉरी कहती हुई बराबर से गुजर कर जाने लगी। ये जिंदगी में पहली बार था जब वकास अब्बासी को किसी लड़की ने यूं इग्नोर किया हो। वकास ने पलट कर तेजी से देखा, वो लड़की मजे से अपने घने सिल्की स्ट्रेट और लंबे बालों की पोनी हिलाती हुई जाती नजर आई। इस लड़की के चलने के सबब हिलती हुई पोनी वकास को अपने दिल में हलचल मचाती मालूम हुई। उसकी बर्फ सी सफेद गर्दन की पुष्ट पर हिलती वो सयाह बालों की पोनी उसे खुद पर से निगाह हटाने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। वो देखता रहा हत्ता कि वो लड़की उसकी निगाहों से ओझल हो गई। उसकी नजरों से गायब होते ही वकास ने एक गहरा सांस लेकर सर झटका। वो कयामत थी, बिल्कुल वो लड़की कयामत थी, खास तौर पर उसकी पोनी। पर चैनल नॉविस बाय हुस्ने कवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्ने कवल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त। हुस्ने कवल की नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 26 लेकर। तो आइए बगैर इंतज़ार के हम शुरू करते हैं। अंसार साहब के इंतकाल की खबर जंगल में आग की तरह फैली थी। सारे रिश्तेदार ही उनके घर आना शुरू हो गए थे। हर कोई उससे इजहार ताज़ियत कर रहा था, मगर वो लड़की कहाँ होश में थी। उसका तो मानो सब कुछ ही छीन लिया गया था। उसके नज़दीक वकास सिर्फ उससे अपनी खार निकाल रहा था, ज़बरदस्ती की शादी की। अब उससे नहीं लग रहा था कि वकास ने किसी वजह के तहत उसके बाप के साथ ये सब किया। सारे रिश्तेदार किरण के इर्द गिर्द ही जमा थे। दुआ और शुमायला बेगम को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, और पूछता भी क्यों था क्या इन माँ बेटी के पास, जबकि किरण उनके मुकाबले में वकास अब्बासी की बीवी थी, एक अमीर घराने की बहू। जब उसके ससुराल वाले आए ताज़ियत के नियत से, तो महविश बेगम को देख उसकी आंखें जलने लग गईं। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे महरूम को। महविश बेगम के तो अल्फाज भी उसे अपने जिस्म में सुइयां चुभोते महसूस हुए। उसके बाप के मरने की वजह यकीनन यही लोग थे। आमीन, सब फौरन ही आमीन कहने लगे, जबकि किरण उन्हें खा जाने वाली निगाह से देख रही थी। किरण ने बगौर उनका चेहरा देखा था। कोई दुख कोई पछतावा नहीं था उस जालिम औरत के चेहरे पर। ये यहाँ क्यों आया है? अनस को घर में दाखिल होते देख मुआविया ताज्जुब से अबू ज़र को तकते हुए पूछने लगा, शायद वकास की जानिब से। अबू ज़र अंदाजन बुरा, जबकि अपनी कही बात पे उसे खुद भी यकीन नहीं था। वकास और अनस कब अच्छे दोस्त बने? वो तो शुरू से ही कॉम्पिटिटर हैं। मुआविया अपनी पेशानी मसलते हुए गोया हुआ, उसे हजम नहीं हो रहा था अनस का यहाँ पर आना। डियर ब्रो, हम यहाँ क्यों आए हैं? अनस परी को अपने साथ लाया था क्योंकि उसे ठीक ना लगा यहाँ पर अकेले आना, परी उलझ कर पूछ रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अनस अचानक उसे वकास की बीवी के घर क्यों ले आया है। तुम जाकर किरण को संभालो, उसे ज़रूरत है किसी के साथ की। परी के सवाल का जवाब देने की जहमत किए बगैर उसे किरण को संभालने के लिए भेजने लगा, जिस पर परी ताज्जुब खैज नज़रों से उसे तकने लगी। ब्रो, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ, परी बेबसी से बोली। तो जान लो, कितनी देर लगती है जानने में? जाओ उसके पास जाकर खड़ी हो, उसे पानी पिलाओ, देखो कैसे निढाल हो रही है वो। अनस की फ़िक्र में डूबी बातें सुन परी का हैरत के मारे मुंह खुला। वो कब से किसी की इतनी फ़िक्र करने लगा सिवाय उसके? ये पहली बार है जब वो अनस को अपने अलावा किसी की फ़िक्र करता देख रही थी। वो कैसे हैरान ना होती। चलो साथ चलते हैं, मगर फिर तुम उसके साथ ही खड़ी रहना, ठीक है? अनस अपनी बात कहकर उसका जवाब सुनने की जहमत किए बगैर फ़ौरन किरण की जानिब बढ़ गया था। बहुत दुख हुआ आपके वालिद के मुतालिक सुनकर, अनस ने इजहार ताज़ियत किया। किरण इस वक्त इतने सदमे में थी कि उसने सोचा ही नहीं कि अनस वहाँ क्यों आया है। हाँ बहुत दुख हुआ, परी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर दिलासा देते हुए कहा। किरण परी के करीब नहीं थी, लेकिन जिस तरह परी उसे दिलासा दे रही थी, सबको यही महसूस हुआ कि जैसे वो बहुत करीबी दोस्त हों। फरा के सीने में शदीद दर्द हो रहा था, उसके ऑपरेशन की तारीख भी निकल गई थी। वो एक साइड में बैठी अपना हाथ सीने पर रखकर दर्द की टीसों को बर्दाश्त कर रही थी। ये लें दवाई, पी लें आप, क्योंकि अंसार साहब का इंतकाल अचानक हुआ था, इसलिए फरा अस्पताल से डायरेक्ट मैयत के साथ किरण के घर आ गई थी। उसकी दवाइयां उसके घर पर ही रह गई थी। मैयत अभी उठी नहीं थी, इसलिए उसे दवाई लेने जाना भी ठीक ना लगा। वो सिर्फ दर्द बर्दाश्त कर रही थी, मगर उसे नहीं खबर थी कि हसन महसूस कर चुका है कि वो बहुत तकलीफ में बैठी हुई है, इसलिए वो घर जाकर उसकी दवाइयाँ खुद ले आया। दवाइयाँ हाथों में रखकर पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते हुए जब इस छोटे मगर खूबसूरत लड़के ने दवाइयाँ दी, तो फरा बेसाख्ता ही उसे देखने लगी। फरा बहुत पतली दुबली सी लड़की थी, साथ साथ उसके चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी जैसे किसी बच्चे के चेहरे पर होती है।
यही वजह थी कि हसन और वो हम उम्र ही दिखाई दे रहे थे। अबू जर की नज़र पूरे हॉल में कमरे में घूम रही थी। अचानक इस मंजर ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। उसने देखा फरा किस तरह इस लड़के के हाथ से हिचकिचाहट के साथ दवाई ले रही है। हसन का उसे बग़ौर मोहब्बत से देखना भी अबू जर की शार्प निगाहों से चौंका नहीं था। उसके होंठ ट्विस्ट हुए, उसे नहीं पता क्यों, मगर वो फिर अपनी निगाह नहीं हटा सका वहाँ से। यार ये वकास का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? किरण ने अपने रिश्तेदारों से कह दिया है कि जनाजा उठा दो। अभी वो फरा को देख ही रहा था कि मुआविया ने उसकी जानिब आकर उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब मोड़ फिक्रमंद लहजे में कहा, क्या रुक मैं बात करता हूँ उससे। अबू जर फौरन ही किरण की जानिब बात करने की नीयत से बढ़ा। किरण थोड़ा इंतज़ार कर लो, वकास दमा दे आखिर इनका, आखिरी दीदार का हक रखता है वो। अबू जर ने मिन्नती लहजे में किरण को देखकर कहा, वो इकलौता दमाद है, अच्छा है वो भी कंधा दे देगा। मुआविया ने तेज़ी से अबू जर का साथ दिया। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि वकास के आने से पहले जनाजा उठ जाए, क्योंकि इल्म था अगर ऐसा हुआ तो वकास और किरण के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार हाइल हो जाएगी। दोनों को ही बखूबी अंदाज़ा था कि किरण बहुत गु़स्सा है वकास पर। क्यों, मेरे बाप का जनाजा उसके कंधे के बगैर नहीं उठ सकता? किरण ने जिस कदर सपाट और सख्त लहजे में जवाब दिया, मुआविया और अबू जर उसे तकते ही रह गए। फिर हिम्मत ना पड़ी कुछ कहने की, वो समझ सकते थे किरण का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजा है। उल्लू के पट्ठे कहाँ है तू, वापस जल्दी आ, वरना तेरी किरण से तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। किरण के मुंह मोड़कर जाते ही अबू जर ने मारे गुस्से के वकास को मैसेज सेंड किया। वहीं दूसरी जानिब उसका प्लान लैंड हो चुका था। वो जैनब को बेबी सीटर के पास अपार्टमेंट में छोड़कर वापस गाड़ी में आकर बैठा। सर कहाँ चलें, ऑफिस या घर? उमर ने हर बार की तरह नहायत शाइस्तगी से इस्तफसार किया। घर, जवाब उमर को उम्मीद के मुताबिक ही मिला था। ओके सर, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और गाड़ी स्टार्ट की। वकास ने अपना सेल ऑन किया इस उम्मीद के साथ कि सबसे पहला मैसेज किरण का ही मिलेगा। उसे यकीन था कि एक हफ्ते की सज़ा इस लड़की के लिए काफ़ी होगी, ये समझाने के लिए कि वो क्या अहमियत रखता है उसकी ज़िंदगी में। बस सेल का स्विच ऑन होना था कि इसे धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो गए। व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर ऐप्स के नोटिफिकेशन सब एक साथ ही मोबाइल पर ऑन हुए थे, आन टूटे थे। उसने किसी मैसेज को अहमियत ना दी सिवाय किरण के, कहाँ हो वकास तुम? बस ये मैसेज पढ़ना था कि उसके संजीदा चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखरी कि शुक्र है इस लड़की को कदर तो हुई। फिर उसने बड़ी उम्मीद से कि दूसरा मैसेज भी अच्छा ही होगा, तेज़ी से पढ़ना शुरू किया। तुम जहाँ भी हो याद रखना, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी मुस्कुराहट अगले ही लम्हे गायब हो गई थी। क्या मतलब था इस मैसेज का? अभी वो यही सोच रहा था कि अबू जर का मैसेज उसके सेल पर आया। उसने तेज़ी से क्लिक किया। उल्लू के पट्ठे कहाँ है तू, वापस जल्दी आ, वरना तेरी किरण से तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बकवास कर रहा है? उसने उलझकर अबू जर को कॉल मिलाई। हेलो, दूसरी जानिब फौरन ही कॉल रिसीव हुई थी। कहाँ है उल्लू के पट्ठे तू? अबू जर ने नहायत आग बगूला होकर सवाल किया। फिलहाल जहाँ कहीं भी है जल्द से जल्द किरण के बाप के घर पहुँच, तेरे ससुर का इंतकाल हो गया और यहाँ जनाजा उठ रहा है। अगर ये जनाजा उठ गया ना वकास, तो यकीन जान तो किरण को खो देगा हमेशा के लिए, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ आ। वो तो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, अचानक इंतकाल कैसे हो गया उनका? वकास को झटका लगा था मानो। बहुत कुछ हुआ है तेरे पीछे यहाँ पर, मैं सब कुछ फ़ोन पे नहीं बता सकता। मैं वैसे भी मैयत के घर में खड़ा हूँ, तू बस यहाँ पर जल्दी पहुँच जब तक मैं जनाजा रोकने की कोशिश करता हूँ। अबूजर ने ये कहकर कॉल काट दी थी। वकास को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीठ पीछे यहाँ क्या कुछ हुआ है, मगर अबूजर के बोलने के अंदाज़ से उसे महसूस हो गया था कि बात बहुत सीरियस है। गाड़ी अंसार अंकल के घर की जानिब मोड़ो, उसके हुक्म देते ही उमर ने बैक व्यू मिरर से उसकी जानिब देख फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। सब खैरियत है ना सर? अंसार अंकल का इंतकाल हो गया है, इस हसीन नौजवान ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। फिर किरण का मैसेज दोबारा खोला, इस लड़की का धमकी आमेज मैसेज अब वकास के दिल में होले डाल रहा था। इस मैसेज को दोबारा पढ़ने के बाद वकास को अंदाज़ा हो गया था कहीं ना कहीं कि क्या हुआ है। शिट, वो आदमी इतना दौलत के पीछे लालची था कि मर ही गया सदमे से। उसने दानिस्ता तौर पर उनका शोरूम तबाह किया था, उसकी बीवी को थप्पड़ मारने की सज़ा के तौर पर, मगर इस लम्हे उसने कब सोचा था कि उसका नतीजा इतना ख़तरनाक निकलेगा। वो तो सिर्फ उनसे किरण से माफ़ी मंगवाना चाहता था, दिखाना चाहता था कि किरण अकेली नहीं है, उसके पीछे उसका शौहर खड़ा है। वो एक बार माफ़ी मांग लेते तो वो उन्हें वापस उनका शोरूम पहली वाली हालत में लौटा देता, मगर सब कुछ उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स हो गया था। उमर जल्दी करो,
ये पहली बार था जब वो नौजवान बेसब्रा हुआ हो। वो अपनी कुशादा पेशानी को मुसलसल अपनी लंबी खूबसूरत उंगलियों से मसल रहा था। गाड़ी जैसे ही रुकी वो तेज़ी से उतरकर किरण के घर में दाखिल हुआ। शुक्र है तू आ गया, जा बस किरण से मिल ले, फिर जनाजा उठाते हैं, असर की नमाज का वक्त हो गया है। अबू जर ने उसके पास आकर कान में सरगोशी की। इस नौजवान को अपना हर कदम न जाने क्यों भारी होता महसूस हो रहा था। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस वो नौजवान सभी की तवज्जो का मरकज बन गया था आते ही, मगर ना देखा तो बस उसकी बीवी ने ना देखा। किरण, उसे अपनी आवाज़ किसी दूर खाई से आती महसूस हुई। वो जनाजे के पास बैठी हुई थी। वकास के मुखातिब करने पर उसने निगाह उठाकर देखा। उसकी आंखें पहले ही सुर्ख थीं, मगर वकास को देखते ही मानो उनमें अंगारे भर आए हों। इस कदर कदूरत थी इन आँखों में कि वकास अपनी जगह साकित हो गया। दिल में शदीद दर्द की लहर उठी। पूरे एक हफ्ते का इंतज़ार किया था उसे देखने का। गुमान था कि जब देखेगा तो आँखों में मोहब्बत होगी, फिकर होगी, कदर होगी, मगर उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स उनमें तो सिवाय कदूरत नफ़रत के अब कुछ ना था। दादी, अब तो उठवा सकती हूँ ना, उसने बड़ी अजीब लहजे में रक्षी बेगम की जानिब देख पूछा। वकास ने उसके और अपने दरमियान एक अजनबियत की बड़ी दीवार महसूस की। उसने तो एक निगाह देखने के बाद दोबारा पलट कर देखा ही नहीं। इस नौजवान ने अपनी मुट्ठियाँ बीछी। किरण, मुझे बात करनी है तुमसे। किरण उठकर खड़ी हुई तो वकास तेज़ी से बोला। वकास बखूबी जानता था कि अंसार साहब किरण की ज़िंदगी में किस अहमियत के हामिल हैं, इसलिए वो उसे बताना चाहता था कि उसने क्यों उनका शोरूम तबाह किया। अब तो उठा सकते हैं ना, वकास की बात को मुकम्मल इग्नोर कर इसने अबू ज़र की जानिब देख जताते हुए पूछा। अबू ज़र को महसूस हुआ जैसे इसने चोट करने के लिए पूछा हो। वो अपने वालिद का जनाजा तक नहीं उठा सकती थी। वकास अब्बासी की मौजूदगी के बगैर वो कैसे गुस्सा ना होती। अबू ज़र फौरन ही नज़र चुरा गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था किरण इस कदर बुरा मान जाएगी। दादी से सिफारिश करवा कर जनाजा रुकवाने को किरण ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ भींच रखी थी। ये बात मुआविया नोट कर चुका था। अगला सीन, अंसार साहब को दफन करने के बाद कब्रिस्तान से वापसी पर वकास की नज़र अनस पर गई। ये यहाँ क्या कर रहा है, वकास ने अबू ज़र को देख संजीदगी से इस्तफसार किया। कोई अंदाज़ा नहीं, अबू ज़र लाइलमी में कंधे उचकाते हुए गोया हुआ। फ़िलहाल अभी इसे छोड़ और किरण की फ़िक्र कर, उसने खासा गंभीर लहजे में नसीहत की। वो ख़ुद भी जानता था उसे इस वक्त सिर्फ किरण की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। किरण का मैसेज उसे अपने सीने पर किसी भारी भरकम पत्थर की तरह रखा महसूस हो रहा था। तुमने फ़ोन क्यों बंद कर रखा था, मुआविया जो इतनी देर से खामोश था नहायत बरहमी से पूछने लगा। मुआविया के नज़दीक किरण ये सब कुछ कभी फेस ना करती अगर वकास उसे सपोर्ट करता। मुआविया और वकास की बिल्कुल बातचीत बंद थी, लेकिन इसके बावजूद मुआविया ने किरण की खातिर उससे बात में पहल की। मैं बिजनेस ट्रिप पर था, वकास अभी भी उससे बात करना नहीं चाहता था, इसलिए नरूठे लहजे में जवाब दिया। भला कौन सी बिजनेस ट्रिप पर सेल स्विच ऑफ रखना ज़रूरी होता है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हारे पीछे यहाँ क्या कुछ हुआ है किरण के साथ। अगर वो किरण के नाम मेंशन ना करता तो यकीनन मुकाबिल उसकी बात को ज़रा भी अहमियत ना देता। मुआविया ने इतने गुस्से में ये बात कही थी कि उसके पीछे चलने वाले अनस ने भी सुन ली। क्या हुआ है, उसने तेज़ी से गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। कहाँ से बताना शुरू करूँ, उसने वकास के रूबरू आकर तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारों पर सजाए दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते सवाल किया। इस नौजवान की टून ने ही मुकाबिल को आगाह कर दिया था कि बहुत कुछ सीरियस हो चुका है। उसके पीछे क्या क्या तुम्हें बताऊं, ये बताऊं कि तुमने उसके वालिद को इस हाल में पहुंचा दिया कि वो कर्ज़ा लेने पर मजबूर हो गए और कर्ज़ा हुआ उनके दरवाजे पर आकर तोड़ फोड़ करने लगे जिसका सदमा वो बर्दाश्त न कर सके और अस्पताल पहुँच गए, या ये बताऊं कि तुम्हारी माँ ने उसका अकाउंट ब्लॉक करा दिया था जिसकी वजह से उसे अबू ज़र से पैसे मांगने की नौबत आ गई अपने बाप को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, या ये बताऊं कि कर्ज़दार अस्पताल पहुंच गए थे और इन्होंने न सिर्फ कमरे में तोड़फोड़ मचाई बल्कि किरण को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और हत्या कि उसके सर पर बंदूक तक तानी। जैसे जैसे मुआविया उसे बता रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके नज़दीक वकास अब्बासी काबिल ही नहीं था किरण जैसी अच्छी लड़की के। वकास के कान खड़े हुए थे ये सब सुन। सेल स्विच ऑफ करते वक्त उसके वहमो गुमान में भी नहीं गुजरा था कि उसके पीछे किरण के साथ ये सब हो जाएगा। उसकी बीवी एक हफ्ते से इतनी अजियत में थी और उसे कुछ खबर नहीं। अगर वो उससे नफरत कर रही थी तो गलत तो ना था, मगर वो कब जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसका चेहरा मारे गमों गुस्से के मुकम्मल अनारी हो गया, कानों से मानो धुआं निकलने लगा हो, दिमाग की रगें फटती महसूस हुई। ये सोच के उसके पीठ पीछे उसकी माँ ने किरण का अकाउंट क्यों ब्लॉक किया, किसने इजाज़त दी उन्हें किरण का अकाउंट ब्लॉक कराने की,
इस नौजवान ने गुस्से व तेज की कैफियत में दो चार होकर अपनी मुट्ठियां इतनी मजबूती से बीछी कि उंगलियों के नाखून खाल में गड़ते महसूस हुए। हाथ मुकम्मल लाल पड़ गए, लगा जैसे खून झलकने लगा। अपनी बीवी पर वो किसी की निगाह ना बर्दाश्त करे और यहाँ उसके पीछे लोग उसकी बीवी को मार पीट के चले गए और उसे कुछ खबर नहीं। मगर वो अकेला नहीं था जो गम गुस्से से इसका तरशार हो। उसके पीछे खड़ा अनस भी अपनी मुट्ठियां बीच रहा था। मुआविया के मुंह से सब कुछ जानने के बाद उसे वकास किसी सूरत भी किरण के काबिल न लगा। कौन थे वो लोग, नहायत बरहमी से पूछा। बेफिक्र हो जा, मैंने हैंडल कर लिया है उन्हें, अबू ज़र मुतमईन लहजे में गोया हुआ। नहीं, मैं अपनी बीवी का बदला खुद लूंगा, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए किससे हाथ लगाने की जरूरत की है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जनूनियत उतर आई थी ये जुमले अदा करते वक्त। तुम बाद में लोगों से अपने हिसाब बराबर करते रहना, अभी किरण के पास जाओ, उसे ज़रूरत है तुम्हारी, अबू ज़र ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा तो वह इस बात में सर हिलाने लगा। जब सारे मर्द हजरात वापस घर पहुंचे तो वकास सबसे पहले किरण के पास गया। किरण वो फरह के साथ खड़ी थी जब वो हसीन नौजवान आंखों में सुर्खी लिए उसके पीछे आकर उसका हाथ नरमी से थाम कर अपनी जानिब मुखातिब करने लगा। हाथ मत लगाना मुझे तुम, वो इस कदर बुलंद आवाज़ में धाड़ी थी कि हर शख्स उनकी जानिब मतवजा हो गया था। माना वो गुस्से में थी मगर उसका मतलब ये तो नहीं था कि वो लोगों का लिहाज ना रखे और सबके सामने उस पर चीखना शुरू कर दे। मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना, अब भी वकास कुछ कह पाता इससे खबर ही वो बावाज बुलंद उसे कदूरत से घूर कर दाँत पीसते हुए बोली। उसकी आंखें इस कदर अंगारे बरसा रही थी कि वकास को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि वो आंखों से ही जला देगी आज। क्या बोल रही हो, कुछ पता भी है तुम्हें, उसके बाप का जनाजा उठे अभी देर ही नहीं हुई थी और वो उससे लड़ने खड़ी हो गई थी, वो भी सबके सामने। बहुत अच्छे से पता है मुझे तुमसे तलाक चाहिए वकास अब्बासी, अभी इसी वक्त, उसका सख्त जुमला वकास की सांस रोकने के लिए काफ़ी था। लोगों से भरे घर में वो तलाक का मुतालबा करने खड़े हो गई थी। वो काबिल के समझ ना आया वो क्या करे, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वापसी तलाक के मुतालबे के साथ होगी, वो भी भरे मजमे में। किरण अभी तुम बहुत गुस्से में हो, तुम थोड़ा ठंडा हो जाओ, पानी वानी पियो, फरा प्लीज़ इसे ऊपर लेकर जाओ। अबू ज़र फौरन ही आगे आकर फरा की जानिब मतवजा होकर उसे आंखों ही आंखों में इशारा करने लगा किरण को ऊपर ले जाने के लिए ताकि मामला ठंडा हो। उसे लगा था फरा फौरन ही मामले की नज़ाकत को समझते हुए उसे ऊपर ले जाएगी, मगर उसकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स वो उल्टा उसे मुंह चढ़ाकर किरण को मुतमईन नज़रों से देखने लगी, जैसे वो जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। अबू ज़र नहीं जानता अगर फरा का बस चलता तो वो बहुत पहले ही किरण की तलाक करा चुकी होती, और मैं कैसे भूल गया, ये किरण की दोस्त है, अबू ज़र ज़ेरे लब दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। फरा बात को समझो, मामला बहुत गर्म हो रहा है, ये बातें गुस्से में करने वाली नहीं है, इसलिए ऊपर लेकर जाओ अपनी दोस्त को, इस बार वो बरहमी से हुक्म सादर कर रहा था। नहीं, किरण बिल्कुल ठीक कर रही है, कहाँ था ये तुम्हारा दोस्त जब किरण के वालिद को हार्ट अटैक आया था और उसके पास अस्पताल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे, कहाँ था ये तब जब इन लोगों ने किरण के सर पर बंदूक तानी थी, कहाँ था ये तब जब उन लोगों ने किरण के चेहरे पर थप्पड़ मारे, और ये सिर्फ अभी की बात तो नहीं है, तुम्हारा दोस्त शुरू से किरण को डिग्रेड करता है, उसे किरण पसंद ही नहीं, मुझे तो शुरू से समझ ये नहीं आता जब पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की, तुम्हारा दोस्त तो इस कदर जालिम है कि किरण को अपने बच्चे की माँ बनने तक की इजाज़त नहीं देता। फरा तो जैसे फट पड़ी थी वकास पर, उसका आखिरी जुमला सभी को हिलाकर रख गया था। अबू ज़र जो इस नौजवान के लिए लड़ने खड़ा हुआ था वो भी मारे हैरत के वकास को देखने लगा। वकास को इस मामले में खामोश देख अबू ज़र बेयकीनी से अपने सर पर हाथ मार गया, उसे समझ नहीं आया वो किस तरह लड़े, वो तो कुछ भी नहीं जानता था इन मियाँ बीवी के दरमियाने मामलात को, लेकिन वो तलाक भी तो होने नहीं दे सकता था। देखो फरा, ये इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान का मामला है, बेहतर यही है कि दोनों आराम से बैठकर बात कर लें, उनके दरमियान तीसरे का बोलना ऐसा ही है जैसे घर ख़राब करना। घर ख़राब करना, घर बना ही कब है, आए दिन तो वकास की अना के साथ न्यूज़ छपती है, अना और वकास सिर्फ दोस्त हैं और ये बात सब जानते हैं, अगर वकास को अना से ही शादी करनी होती तो वो कभी किरण के लिए आ नहीं करता। अबू ज़र ख़ुद भी जानता था कि उसके अल्फाज कितने खोखले हैं, लेकिन लड़ना तो था, अपने दोस्त का घर ख़राब होने कैसे दे सकता था वो, प्लीज़ जब सब जानते हैं वकास को फ़ोर्स किया गया था, पर हम मुसलसल किरण की जानिब से लड़ रही थी और अबू ज़र वकास की जानिब से, देखो किरण बेटा सबके सामने हमारा तमाशा बन रहा है, देखो किरण बेटा सबके सामने हमारा तमाशा बन रहा है, बात को बस यहीं रोक दो, हम आराम से बैठकर बात करेंगे, तुम्हारी इज्जत का पता नहीं मगर हमारी बड़ी इज्जत है इस मुआशरे में। महविश बेगम उसके पास आकर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रख कर समझाने वाले अंदाज में बोली, साथ साथ आखिर में अपनी कड़वी जबान का जौहर दिखा ही दिया था।
किरण तो उसका चेहरा देखती रह गई थी। किस कदर मकार और जालिम औरत थी वो। इस औरत को देखते ही उसे अपनी बीमारी याद आई। किरण ने सोच लिया था वो इस औरत को नहीं छोड़ने वाली, एक दिन ज़रूर बदला लेगी उससे, अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी का, हर जुल्म का, बेइज्जती और ज्यादती का। इन्हें देख मज़ीद गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपके बेटे से तलाक चाहिए, वो एक एक लफ्ज़ को जता जता कर बोली। किरण बस करो, हर चीज़ की लिमिट होती है, इस बार वकास चीखा था। इस लड़की ने तमाशा बना कर रख दिया था उसकी इज्जत का। जो लोग उसे झुक झुक के सलाम करते थे वो आज उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, हर चीज़ की लिमिट होती है वकास अब्बासी, जुल्म की भी। किसी मजलूम पर इतना जुल्म ना करो कि उसकी आह लग जाए तुम्हें। उसकी आंखों में आंसू तैरते हुए अलग ही नुमाया थे, मगर इन्हें वो बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो नहीं चाहती थी लोग उसे कमज़ोर समझे, ख़ास तौर पर वकास अब्बासी। उसने सोच लिया था आज उसके लिए एक आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि वो काबिल ही नहीं है उनके। मैं तुम पे जुल्म कर रहा हूँ, वो वकास को यकीन ना आया अपने कानों पर। दुनिया की वो क्या चीज़ थी जो वो उसे नहीं देता था, हर आसाइश और खुशी बस फरमाइश करने की देर होती और वो चीज़ उसके आगे हाजिर होती। अपने नज़दीक तो वो दुनिया की हर खुशी देता था उसे, फिर वो कैसे पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर उसे जुल्म करने वाला कह सकती थी। हाँ, उसका फ़क्त एक लफ्जी जवाब वकास के दिल को किरची किरची कर गया। मर्द को अपना इज्जत वकार बड़ा प्यारा होता है, और वो लड़की सबके सामने खड़े होकर उससे तलाक का मुतालबा कर चुकी थी। अब अगर वो उसे तलाक ना देता तो यकीनन ये उसकी शदीद तजलील थी कि एक औरत उसके साथ रहना नहीं चाह रही और वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बांध रहा है। मुआविया को शदीद दुख हो रहा था कि रक्षी खातून क्यों चली गई यहाँ से। अगर वो यहाँ होती तो यकीनन वो किरण को समझा लेती। इस वक्त वो बूढ़ी औरत थी, इसलिए जनाजा उठते ही वो अपने ड्राइवर के साथ घर चली गई। मुझे तलाक चाहिए वकास, अभी इसी वक्त, उसने फिर अपना तलाक का कलमा रटा तो उस बार मुकाबिल बर्दाश्त ना कर सका। ठीक है किरण अंसार, मैं वकास अब्बासी अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। उस लम्हे वक्त थम गया, बस उसका जुमला अदा करना था कि किरण की आंखों में जो आंसू मचल रहे थे बहने के लिए, वो कर्ब की शिद्दत से आंख मूंदते ही बह निकले। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। वकास, अबू ज़र चीखा, उसने अगले ही लम्हे होंठ सख्ती से भींच लिए। यकीन ना आया, वो वाकई इस हसीन गुड़िया को तलाक दे चुका है, वो अपनी किरण को तलाक दे चुका है। उसे लगा उसका सांस अचानक रुक गया हो, मुंह फेर कर तेज़ी से बाहर चल दिया। महविश बेगम को अबू ज़र पे शदीद गुस्सा आया था, क्योंकि अगर वो ना चीखता तो यकीनन वकास तीन तलाकें एक साथ ही दे देता किरण को। फ़िलहाल एक तलाक तो वाकई हो ही गई थी, एक बार इद्दत ख़त्म हो जाए तो किरण वकास के निकाह से मुकम्मल बाहर हो जाएगी। 1.5 साल लगा था उन्हें अपने दिल की मुराद पाने में, मगर आज वो किरण को वकास की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो ही गई थी। देख ले बुढ़िया, तेरी लाई लड़की को मैंने 1.5 साल में बाहर का रास्ता दिखा दिया। महविश बेगम तसव्वुराती तौर पर रक्षी बेगम से मुखातिब थी। वो और सिद्रा दुनिया के सामने अफसरदा चेहरा बनाकर वहाँ से चले गए। अबू ज़र फरा को खा जाने वाली निगाह से देख रहा था। उसके नज़दीक इस बेवकूफ़ लड़की ने आग में घी डालने का काम किया था। बेवकूफ़, फरा के मुंह पर उसे बेवकूफ़ कहकर वो दांत पीसता हुआ मुड़कर बाहर चल दिया। अगला सीन, अलमेराज मेंशन में आते ही वो डायरेक्ट अपने कमरे की जानेब आया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसे सबसे पहले किरण की महक आई। ये महक उसे दुनिया के हर परफ्यूम से ज़्यादा प्यारी थी। दरवाज़ा लॉक करके वो मुड़ा, उसकी निगाह सबसे पहले बेड की जानिब गई। वो अक्सर यहाँ बैठी नज़र आती थी, मोबाइल में मगन, दुनिया से लापरवाह, मगर आज वो यहाँ नहीं थी और उसका दिल बार बार पूछ रहा था कि वो क्यों नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो ढलता चला गया, यहाँ तक कि ज़मीन पर बैठ गया। उसने दरवाजे से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। वो नहीं रोया, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। दूर दूर तक वो खुद को पत्थर का मानता था और उसके नज़दीक पत्थर नहीं रोया करते। उसने आंखें मूंदी तो किरण से पहली बार टकराव का मंजर उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। रक्षी बेगम तो उसे तोहफा देना था सालगिरह का, इसलिए उन्होंने उसे पैसे दे दिए थे कि वो अपनी मर्जी से जाकर तोहफा ले आए। वो अपने लिए तोहफा लेने मॉल आया हुआ था। मॉल से उसे अपने लिए तोहफा ख़रीदने के बाद जब वो बाहर निकलने लगा तो सामने से आती लड़की से उसका कंधा टकराया। उसने यूं ही नज़र उठाकर देखा, वो लाइट पिंक रंग के कमीज़ शलवार में मलबूस लड़की जिसके बालों में पोनी बंधी हुई थी अपने मोबाइल की दुनिया में खोई हुई नज़र आई। कंधा टकराने के बावजूद भी इस लड़की ने नज़र उठाने की जहमत ना की, बस सॉरी कहती हुई बराबर से गुजर कर जाने लगी। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब वकास अब्बासी को किसी लड़की ने यूँ इग्नोर किया हो।
वकास ने पलटकर तेजी से देखा। वो लड़की मजे से अपने घने सिल्की स्ट्रेट लंबे बालों की पोनी हिलाती हुई जाती नजर आई। इस लड़की के चलने के सबब हिलती हुई पोनी वकास को अपने दिल में हलचल मचाती मालूम हुई। उसकी बर्फ सी सफ़ेद गर्दन की पुष्ट पर हिलती वो स्याह बालों की पोनी उसे खुद पर से निगाह हटाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। वो देखता रहा हद तक कि वो लड़की उसकी निगाहों से ओझल हो गई। उसकी नज़रों से गायब होते ही वकास ने एक गहरा सांस लेकर सर झटका। वो कयामत थी, बिल्कुल वो लड़की कयामत थी, ख़ास तौर पर उसकी पोनी। अगला सीन। दूसरी जानिब वो फरह के साथ उसके अपार्टमेंट आ गई थी। फरह ने उससे खाने का पूछा मगर उसने कोई जवाब ना दिया, डायरेक्ट अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। बस दरवाज़ा बंद हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि फरह को चीख चीख कर रोने की आवाज़ें आने लगी। बस वही जानती है उस पर क्या गुजर रही थी इस समय। इस सितमगढ़ ने तबाह कर दिया था पूरी तरह। और जिससे पहली बार एहसास हुआ कि वकास ने उससे मोहब्बत कभी नहीं की लेकिन नफ़रत बड़ी बला की है, इस कदर नफ़रत कि उसका सब कुछ छीन लिया, जीने की आखिरी वजह तक, अब वो किसके लिए जिए। यार नॉवेल ऑसम फेबुलस ज़बरदस्त जा रहा है यार, आगे क्या होगा। फरा और वकास अलग होंगे कि एक होंगे, इन दोनों का ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं कब क्लियर होंगे, कब ना फरक ना वकास दिल खोल के अपनी बात रखता है उसके सामने, किरण के सामने, ना किरण रखती है समझ से बाहर है, दोनों चाह रहे क्या है, ना वो क्लियर करता है ना वो क्लियर करता है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, एक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, आपको अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताया करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।